हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मयंक क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स 3 टाइप्स की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग 2 टाइप्स की होती है, डेटाग्राम स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। अब हम देखेंगे फर्स्ट सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। जो सर्किट स्विचिंग है कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक होती है। हेयर ए डेडिकेटेड रूट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डेडिकेटेड रूट एस्टेब्लिश किया जाता है एंड द एंटायर मैसेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू इट। जो कंप्लीट मैसेज होता है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो रूट एस्टेब्लिश किया उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। अब देखेंगे फेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग कनेक्शन। 3 फेजेस होती है सर्किट स्विचिंग में। फर्स्ट इज सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड इज डेटा ट्रांसफर, थर्ड इज सर्किट डिसकनेक्शन। फर्स्ट देखेंगे सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। In this phase, a dedicated circuit is established from source to destination through a number of intermediate switching centers. Source से destination के बीच एक circuit establish किया होता है, बीच में number of intermediate node होते हैं। The sender and receiver transmit communication signal to request and acknowledge establish of circuit। इसमें sender and receiver कुछ signals use करेंगे, request and acknowledgement signals। अब देखेंगे second phase is data transfer। Once the circuit has been established, data and voice are transferred from the source to destination। एक बार circuit establish हो गया then data transfer होंगे source to destination। The dedicated connection remains as long as the end parties communicate। ये connection तब तक continue रहेगा जब तक end party एक दूसरे से communicate करती रहेगी। Third phase is circuit disconnection। When data transfer is complete, the connection is relinquished। जब data transfer complete हो जाएगा तो circuit disconnect हो जाएगा। The disconnection is initiated by any one of the user। जो डिसकनेक्शन है वो किसी भी यूजर द्वारा रिक्वेस्ट की जा सकती। डिसकनेक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑल इंटरमीडिएट लिंक्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीव। जब डिसकनेक्ट हो जाएगा सर्किट तो इंटरमीडिएट लिंक जितनी भी हो सारी एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाएगी। अब देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट स्विचिंग इन टेलीफोन। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट सर्किट एस्टेब्लिश बिटवीन टू टेलीफोन कनेक्टेड बाय सर्किट कनेक्शन। इस डायग्राम के अंदर दो टेलीफोन एक दूसरे से स्विचिंग सर्किट स्विचिंग टेक्निक द्वारा कनेक्ट है एक दूसरे से। इसके अंदर जो ब्लू बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्विचिंग ऑफिसेस को और जो ब्लैक लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है लिंक बिटवीन स्विचिंग ऑफिसेस। 2 स्विचिंग ऑफिस को आपस में कनेक्ट कर रही है ब्लैक लाइन और जो वाइट डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक दूसरे के कनेक्शन जो सर्किट एस्टेब्लिश के लिंक्स एस्टेब्लिश इन स्विचिंग ऑफिसेस। स्विचिंग ऑफिस को कनेक्ट कर रही है। When connection is requested, links are established with switching offices denoted by white lines in a manner so that a dedicated circuit is established the communication parties। जब तक ये continuous ट्रांसफर होगा तब तक ये सर्किट चलता रहेगा। The links remain as long as communication continuously। ये links तब तक रहेगी जब तक communication continue रहेगा। अब देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट देखेंगे एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन। सिंस ए कंटिन्यूस ट्रांसमिशन रूट इज एस्टेब्लिश देन रिमेन थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। ये कंटिन्यूस ट्रांसफर के लिए सुटेबल होता है और ये कन्वर्सेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सर्किट एस्टेब्लिश रहेगा। The dedicated path ensure steady data rate of communication। जो dedicated path है वो ensure करता है जो data transfer होता है continuous या constant rate से होता रहेगा। No intermediate delay are found once the circuit established। एक बार circuit established होगा तो बीच में intermediate कोई भी delay नहीं होगा। So they are suitable for real time communication of both voice and data transfer।
तो सर सर्किट स्विचिंग है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विच एस्टेब्लिशेज ए डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन एंड पार्टी। सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होता है एंड पार्टीज के बीच। द डेडिकेटेड कनेक्शन कैन नॉट बी यूज ट्रांसमिटिंग एनी अदर डाटा इवन इफ द डेटा इज लोड वेरी लो। इस डेडिकेटेड पाथ को अदर पार्टीज या अदर डेटा यूज नहीं कर सकते। बैंडविथ रिक्वायरमेंट इज हाई इवन इन केस ऑफ द लो डेटा। जो बैंडविथ रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ द लो डेटा। अगर डेटा लो भी है डेटा वॉल्यूम लो भी है। देर इज अनयूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। जो सिस्टम के जितने भी रिसोर्स हैं उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। वंस रिसोर्स आर लोकेटेड टू पर्टिकुलर कनेक्शन दे कैन नॉट बी यूज अदर कनेक्शन। एक बार रिसोर्स अलोकेट कर दिया तो अदर कनेक्शन उसको यूज नहीं कर सकते। द टाइम रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश कनेक्शन में भी हाई। जो टाइम रिक्वायरमेंट है जो कनेक्शन सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।